अपडेटिंग आइटम प्राइसेस फ्रॉम वाउचर। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में अपडेटिंग आइटम प्राइसेस फ्रॉम वाउचर फीचर के बारे में जानेंगे। इस फीचर को यूज करके आप आइटम मास्टर में प्राइसेस को अपडेट कर सकते हैं ट्रांजेक्शन से, जैसे कि लास्ट जो भी आपने परचेज करी हो तो उसका प्राइस जो है अपडेट होके आइटम का परचेज प्राइस बन जाएगा आइटम मास्टर में। इसी तरीके से आपने कोई सेल्स ट्रांजेक्शन एंटर करी है तो वह प्राइस जो है अपडेट हो जाएगा आइटम मास्टर में एज सेलिंग प्राइस। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रांजेक्शन करें तो वो लास्ट जिस प्राइस पे ट्रांजेक्शन हुई थी वही आइटम मास्टर से प्राइस पिक होकर आ जाएगा। फीचर को एनेबल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस, इन्वेंटरी टैब में अपडेट आइटम प्राइसेस फ्रॉम वाउचर फीचर को एनेबल करें। फीचर को एनेबल करने पर कॉन्फ़िगर बटन अपीयर होगा। इस बटन के क्लिक पर आप बता सकते हैं कि आपको अपडेट लास्ट सेल प्राइस या अपडेट लास्ट परचेज प्राइस या फिर दोनों ही ऑप्शन को एनेबल करना है। बेसिकली अपडेट लास्ट सेल प्राइस ऑप्शन से जो भी लास्ट आपने सेल ट्रांजेक्शन करी है उसका सेलिंग प्राइस जो है आइटम मास्टर में अपडेट हो जाएगा, और अपडेट लास्ट परचेज प्राइस से जो भी लास्ट आपने परचेज ट्रांजेक्शन करी है उससे परचेज प्राइस आइटम मास्टर में अपडेट हो जाएगा। सेव बटन प्रेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद हम एक आइटम मास्टर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने एक न्यू आइटम जगत बासमती राइस के नाम से क्रिएट करी। उसका मेन यूनिट हमने पैकिंग बताया और अल्टरनेट यूनिट केजीज बताया। यहाँ पे हमने बताया कि सेल प्राइस किस पे अप्लाई हो रहा है और परचेज प्राइस हमने बोला बोथ यूनिट्स पे, और हमने पैकेट में और केजेस में सेलिंग और परचेज प्राइस आइटम का बताया। हमने यहाँ पे बताया कि सेल प्राइस पर पैकेट 420 रुपीज है एंड पर केजी 90 रुपीज है। सिमिलरली परचेज प्राइस पर पैकेट 400 रुपीज है एंड पर केजी 85 रुपीज है। तो 420 एंड 90 इज योर सेलिंग प्राइस एंड 485 इज योर परचेज प्राइस रेस्पेक्टिवली फॉर पैकेट्स एंड केजीज। सेव बटन प्रेस करेंगे आइटम मास्टर को सेव करने के लिए। अब नेक्स्ट हम एक परचेज का वाउचर एंटर करेंगे। हमने यहाँ पे परचेज के हेडर से जुड़ी डिटेल्स एंटर करी, आइटम सेलेक्ट करी जगत बासमती राइस जो हमने क्रिएट करी थी। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट 85 रुपीज एज परचेज प्राइस पिक होकर आ गया क्योंकि आइटम मास्टर में यही प्राइस स्पेसिफाइड था। हमने इसको चेंज करके 88 रुपीज कर दिया, यानी कि हमारी जो ये परचेज है वो 88 रुपीज से हुई है। अब अगेन यदि हम आइटम मास्टर में जाते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे परचेज प्राइस पर केजी जो है 88 रुपीज वो शो कर रहा है, यानी कि जो भी आपने वाउचर एंटर किया था उसका प्राइस आइटम मास्टर में अपडेट हो गया। नेक्स्ट हम एक सेल्स का वाउचर एंटर करते हैं। सेल्स हेडर से जुड़ी डिटेल्स हमने एंटर करी, आइटम वही जगत बासमती राइस हमने सिलेक्ट करी। यहाँ पे आप देखिए पैकेट का जो प्राइस है एक पैकेट का 420 पिक होकर आया है। हमने इसे चेंज करके 430 रुपीज कर दिया। डैट मीन्स कि ये ट्रांजेक्शन जो है हमने 430 रुपीज पे करी है कि एक पैकेट जो है वो 430 रुपीज का है। सेव बटन प्रेस किया इस वाउचर को सेव करने के लिए। अब अगेन हम आइटम मास्टर में जाके यदि व्यू करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स प्राइस पर पैकेट जो है 430 रुपीज यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो बहुत ही सिंपल सा फीचर है, जो भी आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन होंगी सेल की या परचेज की अकॉर्डिंगली सेल प्राइस और परचेज प्राइस आइटम मास्टर में अपडेट हो जाएगा। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इजीली इस फीचर को बिजी में यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।